अच्छा, ये 5.3 का पार्ट 3 का क्वेश्चन नंबर 4 मुझे कहा था एक्सप्लेन करने के लिए। इसमें भी बिल्कुल बेटा ये है, पूरा ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा, ये पूरा ब्रैकेट सॉल्व होगा, डिवाइड का साइन ऐसे ही उतार दे जाएंगे। जब दोनों तरफ सिंपल फ्रैक्शंस आ जाएंगी तो फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें साइन लगाएंगे, वरना दोनों सेम, डिवाइड के साइन इसी तरह उतार देंगे जब तक कि ब्रैकेट पूरा सॉल्व नहीं होगा। अच्छा, 2, 3, 4 का एलसीएम लिया हमने, तो ये आ गया 12। ठीक है, 2 के टेबल में भी आ रहा है, 3 में भी, 4 में भी, और लीस्ट कॉमन मल्टीपल इसका 12 है। तो फिर उसके बाद हमने 2 का टेबल इतना पढ़ा कि 12 आ जाए, 2, 6 है 12, और 1 को मल्टीप्लाई किया 6 से, तो इधर आ गया 6, माइनस एस ही उतारा, 3, 4 है 12, और 4 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, 4 है 8 प्लस, और 4, 3 है 12, उस 3 को ऊपर किया तो मल्टीप्लाई, तो 3, 3 है 9, डिवाइड ऐसे ही उतार दिया। यहाँ 4, 5, 6 का एलसीएम लिया तो 60 आ गया। ठीक है, 4 का टेबल इतना पड़ा कि 60 आ जाए तो 15, 4 60 होता है। ठीक है, तो 4 × 15 = 60, ऊपर मल्टीप्लाई किया 15 को तो 115 = 15 प्लस, 5 का टेबल इतना पड़ना है 60 आ जाए तो 12, 5 = 60 होता है, तो इसलिए मैंने 5, 12 = 60 पढ़ा, और उस 12 को ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 2, 12 = 24 प्लस, 6, 10 =, और ऊपर 10 मल्टीप्लाई किया, 1, 10 = 10। ठीक है, अभी भी ये मैंने डिवाइड का साइन लगा के रखा हुआ है, 12 उतारा। अब आप देखें 9 + 8 हो गया 17, 17 - 6 = 7। अब अगर आप ऐसे भी करना चाहें तो जो है 8 - 6 किया तो माइनस का 2 आया, 9 - 2 = 7, और यहाँ पर देखें 15 + 10 = 25, 25 + 24 = 49। ठीक है, 49/60 उतारा, डिवाइड यहाँ मैंने उतारा। अब ये डिवाइड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में चेंज होगा, मल्टीप्लाई होगा और यहाँ से ये इन्वर्ट हो जाएगा, 7/12 × 60/49। अब डिवाइड को रिड्यूस करें इसको जितना आप कर सकते हैं, 7 × 1 = 7, 7 × 7 = 49, 12 × 1 = 12, 12 × 5 = 60। अब मैंने मल्टीप्लाई किया, 5 × 1 = 5, 7 × 1 = 7, ये आंसर है आपका।